अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकॉन के बटन पे क्लिक कर दीजिए, शुक्रिया। दोस्तों, आज की न्यूज़ पाकिस्तान की जानिब से है। पाकिस्तानी एयरफोर्स का अजम प्रोग्राम। अगर हालात को देखा जाए तो बांग्लादेश से लेकर रूस तक दुनिया के तमाम सरकर्दा ममालिक मुस्तकबिल में अपने सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहे हैं और इस हवाले से हथियारों के हसूल के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। इस वक्त जिस हथियार के हसूल के लिए सबसे ज्यादा सर्चिंग की जा रही है वो पांचवी नस्ल का जदीद तरीन हथियारे हैं। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर कई ममालिक बशमूल जापान, तुर्की, इंडिया और पाकिस्तान अपना कसीर खुफिया बजट लगाने पर मजबूर हैं। असल में पांचवी नस्ल के हथियारे के मटेरियल कोटिंग एक खास धात से की जाती है, जिसकी वजह से त्यारा अपनी तरफ आने वाले रडार की व्यूज को जस्ट कर लेता है, जिस वजह से ये रडार में नजर नहीं आता, जबकि दूसरे त्यारे ऐसा करने से कासिर होते हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ अमेरिका, चीन और रूस ये त्यारे बना सके हैं, जबकि हाल ही में पिछले साल पाकिस्तान ने इन त्यारों की तैयारी के लिए एक प्रोजेक्ट अजम के नाम से शुरू किया, जो कि अगले 10 साल के अरसे में मुकम्मल होगा। ये प्रोजेक्ट मल्टी टास्क नोयत का है, जिसमें पांचवी नस्ल के त्यारों समेत नए लॉन्ग रेंज मिजाइल, ड्रोन त्यारे और गाइडेड मिसाइल बनाए जाएंगे। मुमकिन तौर पर पाकिस्तान अपने नए त्यारों के लिए मौजूदा थंडर फाइटर के डिजाइन में तब्दीली लाकर इनमें चाइनीज साख्ता J-31 स्टेल्थ त्यारों की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल तौर पर पोशीदा रखा गया है। ये प्रोजेक्ट मुस्तकबिल में भी चलते रहेंगे और पाकिस्तान का दिफा मजीद मजबूत तर होता जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फेसबुक पेज को मेरे जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शुक्रिया।